हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 10 सर्वनाम। तो चलिए आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए व्याकरण की और ओपन करिए पेज नंबर 56 सर्वनाम। सबका नाम सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? इससे पहले आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं ना। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो होती है उसमें नाम होता है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपका कोई नाम है और आपकी जगह हम आपका नाम ना बुला करके कह दें कि वह लड़का वहाँ खड़ा है, वह यहाँ है, तो वह, और या तो फिर आप अपना नाम ना लेकर के मैं, ऐसे करके कोई शब्द का इस्तेमाल करें तो उसे संज्ञा कहेंगे, है ना। अब जैसे कि आपकी मम्मी है तो मम्मी का आपने नाम नहीं लिया, बोला कि यह मेरी मम्मी है, यह मेरी, तो यह और मेरी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर में क्या बना हुआ है। यहाँ पर देखिए मम्मी है और बच्चे हैं, तो मम्मी क्या पूछ रही है? आइसक्रीम कौन खाएगा? तो बच्चे क्या बोल रहे हैं? मैं। दोनों बच्चे बोले मैं, मतलब इन्होंने अपना नाम नहीं लिया और बोला कि मैं खाऊंगा। तो फिर इसमें यहाँ पर मैं जो है वो सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने अपना नाम नहीं लिया और मैं शब्द का प्रयोग किया, है ना। तो ये हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है स्वयं के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। स्वयं के नाम के स्थान पर, जैसे कि अपना कोई नाम है तो उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। सर्वनाम शब्द क्या है? देखिए, जब भी हम अपनी बात करते हैं तो स्वयं के लिए मुझे, मेरी, मैं, मैंने, मुझे, मेरी, मैं, मैंने आ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ना, मेरी मम्मी को तो बुखार है, इसमें हो गया मेरी सर्वनाम शब्द है। फिर बच्चा क्या कह रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद ही खाना ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे हो गया सर्वनाम, मैं खुद ही खाना ले लेता हूँ, तो मैं भी हो गया सर्वनाम, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम शब्द हुए? मेरी, मैं, मुझे, है ना। तो ये हो गया सर्वनाम शब्द। और इससे पहले यहाँ पर ये बच्चे कह रहे थे ना कि मैं, तो ये भी मैं भी सर्वनाम शब्द हो गया। फिर आगे चलिए पढ़ते हैं छोटे और बराबर वालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है छोटे और बराबर वालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। जैसे आपसे कोई छोटा है या आपके बराबर है तो उसके लिए कौन सा शब्द सर्वनाम वाला इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर देखिए होता है तुम्हें। अपने से छोटों के लिए तुम बोलते हो और अपने से बराबर वालों के साथ भी तुम बोलते हैं ना हम लोग, तुम्हें, तुम्हारी, तुमने, ये शब्द जो है वो हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग छोटे, अपने से छोटे और बराबर वालों के लिए करेंगे, है ना। और ये वाला था जो ऊपर, स्वयं के नाम के स्थान पे क्या प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्द? मुझे, मेरी, मैं, मैंने। तो ये हो गया स्वयं के लिए और स्वयं दूसरों, अपने से छोटे और बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारी, तुमने, ये शब्द हो गए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो मम्मी क्या कह रही है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो तुम यहाँ पर हो गया ना, मम्मी बड़ी है तो बच्चे से बात कर रही है, तो वो छोटा है, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? तुम।
तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें भी हो गया सर्वनाम शब्द, तुम्हें भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना चाहिए, है ना? तो मम्मी ने यहाँ पर नाम ले लिया और क्या सर्वनाम शब्द यूज किया है, इस्तेमाल किया है, तुम्हें, है ना? तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं और क्या क्या सर्वनाम शब्द होते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो लोग, है ना, एक लड़का और एक लड़की। क्या कह रहे हैं? लड़का कह लड़की कह रही है, तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ पर भी देखिए, ये लोग फ्रेंड हैं, तो हम उम्र हुए ना, तो इसमें भी यहाँ पर तुम्हारा शब्द का इस्तेमाल किया, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तो ये लड़का कहता है, मेरा नाम श्याम है, मुझे तुमसे नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेनी है। तो यहाँ पर दोनों हम उम्र है, एक ही उम्र के हैं, तो इन्होंने यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द यूज किया है? तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, है ना? तो चलिए बच्चों, फिर आगे पढ़ते हैं, बड़ों के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द होता है? अगर आप बड़ों के लिए कुछ कहेंगे तो आपको तो पता ही चल गया ना, क्या कहेंगे? आप, आपने, आपका, ये होता है बड़ों से बात करने का। देखिए यहाँ पर बच्चा ना अपनी दादी से क्या कह रहा है, दादी तो बड़ी है, उनसे कह रहा है, दादी जी क्या आज आपका जन्मदिन है? आपका, ठीक है, आपका इसने इस्तेमाल किया। फिर क्या कह रहा है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे घुमाने ले जाएंगी, तो इसने यहाँ पे बड़ों के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया? आप, ठीक है, आपने, आप, ये सब, ओके। फिर अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नीचे देखें, यह भी जाने, यहाँ पे देखिए लिखा है यह भी जाने, तो लिखा है बच्चों पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में करते थे ना, मैं आपको बताती थी कि यह दिस और वह दैट, तो हम लोग पास के लिए क्या यूज करते थे? दिस का, उसको हिंदी में यह कहते हैं, और दैट का यूज करते थे दूर की चीजों के लिए, तो वो होता है वह, उसको हिंदी में कहते हैं वह। तो बच्चों आपने जब इंग्लिश में ये सीखा था दिस एंड दैट का यूज, तो दिस पास की नियर थिंग्स के लिए और दैट फार थिंग्स के लिए, है ना, याद आया आपको? या आपने दिस और दैट का यूज पढ़ा था। इसी तरह हिंदी में भी होता है यह पास के लिए और वह दूर के लिए, है ना? तो ये देखिए बच्चों, पापा के हाथ में एक बोतल है, तो ये कह रहे हैं यह मेरी बोतल है ना, यह उन्होंने इस्तेमाल किया पास के लिए। वह तुम्हारी बोतल है, बोले वह बोतल तुम्हारी है। फिर देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है यह मेरी बॉल है, पास के लिए इसने अपने हाथ में बॉल ली है, तो बोला ना यह मेरी बॉल है। और जब वह उन बच्चों की बॉल है और दूर के लिए उसने क्या यूज किया? वह। तो बच्चों पास के लिए यह और वह दूर के लिए, ये भी सर्वनाम शब्द है। तो अब आगे चलिए, क्या क्या और सर्वनाम शब्द है पढ़ते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द, यह, इसका, यह, इसे, इसका, इससे, ये, इन्हें, इनका, इनसे, ये सब देखिए बच्चों, ये सब सर्वनाम शब्द हैं, इसमें कहीं किसी का नाम नहीं है, है ना, ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों यहाँ नीचे चलिए और देखते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन से लिखा हुआ है, आओ कुछ और जाने, तो देखिए और क्या जानना है। देखिए उत्तम पुरुष क्या है, यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वह होता है जिन सर्वनाम शब्द को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, कौन से शब्द होंगे? मैं टीवी देख रहा हूँ, ये अपने लिए हो गया ना, मैं। फिर मेरा नाम अमित है, अब इसमें
मेरा भी हो गया अपने लिए, फिर हम दोस्त हैं, तो ये भी उत्तम पुरुष है। हम जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे हम शब्द का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द हैं? मैं, मेरा, हम, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष देखिए किसे कहते हैं, दूसरे नंबर पे मध्यम पुरुष है जो सर्वनाम शब्द दूसरों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, दूसरों के लिए, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मध्यम में तुम, दूसरे के लिए, तुम कल बिना बताए कहाँ चले गए थे, फिर कुछ जरूरी काम से अचानक जाना पड़ा इसलिए तुम्हें बता नहीं सका था। तो बच्चों यहाँ पे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब हो जाता है मध्यम पुरुष, है ना, ये दूसरों के लिए शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर क्या है अन्य पुरुष, क्या होता है अन्य पुरुष? वो होता है जिसमें हम लोग किसी और के बारे में बात करते हैं, ना तुम्हारे बारे में, ना अपने बारे में, किसी और थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे, है ना, ना मेरे बारे में और ना तुम्हारे बारे में, किसी अपने, किसी अन्य थर्ड पर्सन के लिए अन्य पुरुष उसे कहते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे कि वह चला गया, किसी दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह चला गया, उसे साथ ले चलो, उन्हें कल जा आना था, तो इसमें अन्य पुरुष में वह, उसे, उन्हें, ये सब अन्य पुरुष के उदाहरण है, है ना बच्चों। तो सर्वनाम के ये वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो आपने जान लिया ना इसे सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखिए इसकी कुछ एक्सरसाइज है, इसे भी आप कर लीजिए अभ्यास कार्य। यहाँ पे दिया अभ्यास कार्य में नाम की जगह आए शब्दों के लिए सही का निशान लगाइए, फिर दिए गए वाक्यों में। तो बच्चों इसे मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी लिख करके, ठीक है। तो आज आप इसे फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। इसमें मैं, मेरा, तुम्हें, तुम्हारा, वह, यह, ये सब जो है शब्द, ये सर्वनाम शब्द है। ओके।